जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आ गया हूँ एक और न्यू अपडेट लेकर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बागेश्वर धाम गुरुजी 24 और 25 और 26 जुलाई को बागेश्वर धाम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम का प्रोग्राम कैसे होगा तथा कौन कौन से भक्त इसमें भाग ले पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर लेना। उस व्हाट्सएप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हम वहाँ भी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि बागेश्वर धाम गुरुजी पूरे जुलाई के महीने में कहाँ कहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो इस पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है। इस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ, आप यहाँ से जाकर इस वीडियो को वॉच कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की। अब बात कर लेते हैं कि गुरुजी इस समय कहाँ हैं, वे धाम पर हैं या नहीं है। तो अभी की बात करें तो बागेश्वर धाम गुरुजी आज धाम पर ही हैं, और आज यहाँ पर पुरानी पेशी का दरबार लगाया जाएगा। तो यदि आप आज के दिन धाम पर पहुँचना चाहते हैं तो आप पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 24, 25 और 26 जुलाई 2024 की। तो इन तीन दिनों में भी बागेश्वर धाम गुरुजी धाम पर ही रहेंगे, और यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम का महायज्ञ होगा। इस यज्ञ में गुरुजी भाग लेंगे तथा जिन भक्तों ने और जिन यजमानों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं वे भी इसमें भाग ले पाएंगे, क्योंकि जब भी बागेश्वर धाम गुरुजी ऐसा कोई भी यज्ञ करते हैं या ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो पहले उसमें यजमानों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। यदि आपने भी अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आप इस समय में धाम पर पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिव्य दरबार की, कि इन दिनों में दिव्य दरबार लगेगा या नहीं लगेगा। तो अभी हाल ही में बागेश्वर धाम की तरफ से एक सूचना आई है जिसमें बताया गया है कि फिलहाल में अभी यहाँ पर दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन गुरुजी भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रत्येक दिन आएंगे। तो यदि आप इस समय में धाम पर पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं, और जैन भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वे इसमें शामिल हो सकते हैं। बागेश्वर धाम गुरुजी जल्द ही आगे की कुछ तारीखों में दिव्य दरबार लगाएंगे, इसकी जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दे दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी धाम पर कब दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि अब भी आपके समझ में कुछ नहीं आया है, यदि आपको कुछ पूछना है, यदि कोई डाउट है तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और सभी बोलें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।